जाति गणना हुई है, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जो एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान है, या जीतन राम मांझी हो जाए, या उनके बेटे संतोष सुमन, या मुकेश सहनी, तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। साथ ही कई लोग तो ये भी कह रहे कि जो जाति गणना हुई, उपेंद्र कुशवाहा ने तो फर्जी बता दिया। सर, उपेंद्र कुशवाहा तो बोल रहे कि जाति गणना में डाटा का हेर फेर किया गया, किसी को खुश करने के लिए आप लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। उनको पते नहीं है, जो रात दिन पार्टी बदलते हैं उनको पते नहीं है। अगर गड़बड़ी है, फर्जी किया गया है, फर्जीवार किया गया है, तो एनडीए में है तो एनडीए के लोग को कहे, जो फिर से अगर बिहार सरकार गड़बड़ी किया है, नीतीश कुमार ने गड़बड़ी किया है, जाति में हेर फेर किया गया है, वो अपने स्तर से करा कर रख ले, देख ले सही है कि क्या गलत है। तो कह रहे हैं कि यादव को या किसी विशेष लोग को, लालू प्रसाद यादव को खुश करने के लिए इस तरीके का काम, वो जुमलेबाज का भाषा सीख गया है इसलिए बोल रहा है। इसका असर दिखेगा 24 में? 24 में दिखा देगा बिहार की जनता उनको, जो सब इधर से उधर भटक रहा है सबको दिखा देगा। आप ही के इंडिया के ही है आरजेडी के एमएलसी है रामबली सिंह, वो तो आंदोलन कर रहे हैं कि जो अति पिछड़ा की आबादी सबसे बड़ी हुई है, लेकिन उसमें जो तीन जातियों को लेकर के जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव में नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया, अच्छा काम किया, लेकिन जो तीन जातियों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन कौन जाति? तेली, तमुली और दागी जातियों को लेकर के सवाल। उनसे पूछिए जो कहाँ दिक्कत हुआ है। बोले कि इन लोग का जिससे आमदनी जो है ज्यादा है, ये लोग टैक्स ज्यादा पे करते हैं, इन लोगों को जहाँ जहाँ दिक्कत है माननीय नेता से मिले, उसका समाधान होगा। चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग के कब तक आप लोग ये आगे विचार किया जाएगा? तो आपने सुना किस तरीके से साफ साफ रत्नेश सदा जो बिहार सरकार का मंत्री है, साफ साफ जीतन राम मांझी हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान, सबको कह दिया कि अगर कोई दिक्कत है, वो लोग तो एनडीए में है ही, अगर कहीं दिक्कत है तो वो लोग अपने यानी केंद्र सरकार से जाति गणना करा ले। साथ ही जिस तरीके से आरजेडी के एमएलसी है रामबली सिंह जो सवाल खड़े कर रहे हैं तीन जातियों को लेकर के, उन्होंने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।